अच्छा तो भाई आपको यार वीडियो एडिटिंग करनी है, वो भी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, पॉसिबल है? बिल्कुल है यार। अब वो कैसे है यार, इसके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। सबसे पहली बात तो यार मेरे को जरूर कमेंट में बताना क्या हुआ है भाई कि तुम एक एडिटिंग वीडियो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो और चाहते हो कि ऐसे। वैसे ये जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना आज वीडियो में, कोई भी सॉफ्टवेयर के बिना थोड़ी बहुत एडिटिंग ये बहुत काम आती है, अगर तुम कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तब भी। तो मैं तो बोलूँगा बहुत बेहतरीन वीडियो रहने वाली है। तो यार सबसे पहली बात, कुछ लिमिटेशन तो रहती है तुम भी जानते हो। तो सबसे पहली चीज़ यार, इससे तुम एकदम प्रो लेवल की तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो एडिटिंग, एकदम प्रो लेवल की बिल्कुल कहीं से भी कोई चांस नहीं है। उसके अलावा यार एक चीज और है यार, तुम इसका यूज जो है ना, जो मैं बताने वाला हूं, इसको तुम बड़े सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, अगर जैसे फिल्मोरा यूज करते हो या फिर एडोब के भी कोई भी यूज करते हो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो वहां बहुत यूज आने वाले हैं। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले यार इसके अंदर मिलता क्या है, तो ये यार तुम्हें विंडो के साथ ही मिलेगा। विंडो इंस्टॉल करोगे उसके अंदर, अगर तुम जानते हो विंडो इंस्टॉल करने के बाद तुम कोई भी मूवी या फाइल को ओपन करते हो डायरेक्टली डबल क्लिक करके, तो वो स्टार्ट हो जाती है। जो विंडो का मीडिया वाला होता है वीडियो का, उससे स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं पे यार जब तुम क्लिक करोगे तो नीचे एक पेंसिल टाइप का ऑप्शन आता है शायद, है ना, वो पेंसिल टाइप के ऑप्शन से ही सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो इसमें ज्यादा ऑप्शन तो मिलते नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहली चीज तुम्हें क्या मिल जाएगी, ट्रिम। ट्रिम मतलब समझ रहे हो ना, तुम सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो किसी भी फाइल को, तो ये काफी अच्छा रहता है यार अगर तुम जनरली पर्पज यूज। कभी कभार होता है ना कि थोड़ी सी न्यूज बतानी है फटाफट से अपने ऑडियंस को, तो वहां ये याद बहुत काम आ जाता है और बिल्कुल बढ़िया से अच्छे रेजोल्यूशन में तुम्हें एक्सपोर्ट करके दे देगा। मैंने भी इसको काफी हद तक यूज करा है, नेट जनरली जब भी कोई भी छोटा मोटा एडिट का काम होता है तो वहां मैं इसे यूज जरूर करता हूँ। ट्रिमिंग सबसे पहली चीज थी। सेकंड चलते हैं, तो यार ये बहुत अच्छी चीज है, ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ। क्या है ना, इसके अंदर एक फोटो क्लिकिंग का है, मतलब एक फ्रेम सेलेक्ट कर लिया तुमने, उसको डायरेक्टली वहां से क्लिक करो और वहां से उसका फ्रेम निकल के आ जाएगा बाहर और उसको तुम यूज कर सकते हो थंबनेल के लिए। अच्छा ये एक और चीज है यार, तुम जो फोटो निकालोगे ना उसको तुम एडिट कर सकते हो और वो भी विंडो के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर के बिना, उसमें भी काफी ऑप्शन मिल जाते हैं और ये बहुत अच्छा रहता है यार। इसके अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, मार्क करने वाला, कोई तुमने थंबनेल निकाला उसमें कहीं पर पॉइंट आउट चीज मार्क करनी है, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं पर्सनली इसे यूज करता हूं। सच बता रहा हूं, कोई वीडियो फाइल मैंने बनाई, ठीक है, उसको मैंने चला दिया, उसके बाद वहां पेंसिल वाले फ्रेम पे पहुंचा और उस फ्रेम को मैंने निकाल दिया कटआउट करके, एकदम अच्छे रेजोल्यूशन में निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसको तुम बाद में चाहो तो अपने यार एडोब फोटोशॉप है वहां से एडिट कर लो, या फिर तुम्हारे को उसके अंदर भी ऑप्शन मिल ही जाते हैं जैसा मैंने बताया, तो वो बहुत अच्छा चीज है यार। ये तो यार दूसरी चीज हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक इसके अंदर इंक वाला मिलता है, ये ऑप्शन ना यार बहुत लोग यूज करते हैं, पर्सनली बता रहा हूं, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत आराम से मिल जाता है। वीडियो में क्या है, तुमने कोई चीज पार्ट बताया और उसको इंक से मार्क करना है, या किसी अपने दोस्त को ही भेज रहे हो यार, उसको बताना है कि यहां पे भाई ये पॉइंट आउट चीज है इसको जरा देख लियो, तो वो चीज ना मार्क करने वाला फोटो में तो हो जाता है, फोन में भी मिल जाता है, डोंगल नाम का शायद तुमने सुना हो, वहां से मार्क कर देते हैं, किसी को पेमेंट भेजा है तो देख लो भाई यहां मैंने पेमेंट करा है, तो वो चीज रहती है। पर वीडियो में कहां से होगा, तो उसके लिए यार ये है ना, इसकी मदद से तुम कर सकते हो। ये बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नहीं मिलता पर यहां मिल रहा है तुम्हें, ठीक है, तो बस पॉइंट आउट कर दो। हाँ लेकिन एक चीज है यार, इसमें रेंडरिंग या निकलने में जो टाइम निकलता है ना वो ज्यादा लेता है इंक वाला, नॉर्मली मेरे में तो यार बहुत देर ले रहा था, पर हाँ अगर तुम उसको ट्रिम करके यूज करते हो छोटा सा, बस 10 सेकंड के लिए निकाल लो कैसे भी करके, तो बहुत जल्दी भी हो जाता है, तो ये काफी अच्छा है यार इंक वाला, मुझे पसंद है। और लास्ट भाई जो इसके अंदर ऑप्शन मिलता है स्लो मोशन का, स्लो मोशन समझ ही गए हो, इसमें यार सबसे अच्छी चीज क्या है, स्लो मोशन तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि टर्टल की स्पीड में जाना है या रैबिट की स्पीड में जाना है, समझ रहे हो, उसके अलावा पार्ट सेलेक्ट कर लो और उसको तुम कर लो एकदम यार स्लो मोशन में। तो ये कुछ ऑप्शन है जो तुम्हें इनबिल्ट मिलते हैं और इसके यूज करके तुम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में अपना कुछ रंजदारी या बोला जाए तो क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, पर हाँ इनसे भी वीडियो एडिटिंग हो जाती है। अगर नॉर्मली तुम कोई न्यूज़ बता रहे हो जैसे समझ लो पबजी बैन हो गई, मेरे को बस 2 मिनट की वीडियो बनाई पबजी बैन हो गई, बस ये बना दी वीडियो, इसको कर दिया एडिट, कोई दिक्कत नहीं आई यार, क्योंकि बड़े सॉफ्टवेयर यार थोड़ा रेंडरिंग टाइम लेते हैं, इंटरफेस टाइम लेते हैं, यहाँ ये सब नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर मेरे वो बात कर रहा हूँ यार ये यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे सिस्टम में इतना एबल नहीं है कि तुम बड़े सॉफ्टवेयर चलाओ, तो तुम यार एक विंडो का आता है वीडियो मूवी मेकर, उसको इस्तेमाल करो और इसके ओल्ड वर्जन, नए वर्जन तो यार अब फ्री में नहीं आते हैं, उसको खरीदना पड़ता है, पर 2016 के पहले वाले वर्जन है उनको यूज़ करो, बहुत अच्छे हैं वो और उनसे भी काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो जाएगी, मैं जरूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। पर हाँ ये कुछ चीज़ें थी जो तुम बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर कर सकते हो अभी भी, इस समय भी, कभी भी, ठीक है। तो बाकी यार अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो यार अगर टेक्निकल चीजों में या फिर यार सॉफ्टवेयर में तुम्हारा दिलचस्प है तो, बनता है ना फैमिली पढ़ी करेंगे, ठीक है। बाकी चलो यार इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद है लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे।